माधोपुर एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है। आज का मुख्य समाचार राजस्थान से। मैनपुरा ग्राम पंचायत नवनिर्वाचित सरपंच नीलम चौधरी पूजा पाठ करके पद ग्रहण किए। उदयपुर वाटी उपखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत मैनपुरा में नवनिर्वाचित सरपंच नीलम चौधरी व उप सरपंच सरोज देवी अधिकारी सुरेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में पूजा पाठ करके कार्यभार ग्रहण किए। गौरतलब है कि नवनिर्वाचित सरपंच चौधरी पूर्व अध्यापक रामदेव सिंह बराला पौत्र वधु तथा पूर्व सरपंच महेंद्र सिंह बराला की पुत्र वधु है। सरपंच पद के ध्यान रखते हुए नीलम चौधरी ने कहा कि किसी भी भेदभाव के संपूर्ण ग्राम पंचायत का विकास करूंगी। वहीं उप सरपंच सरोज देवी ने कहा कि ग्राम के विकास के हम सरपंच के साथ। खास रिपोर्ट संपादक सुधीर मीणा राजस्थान। आज ग्राम पंचायत मैनपुरा की सरपंच नीलम चौधरी ने पदभार ग्रहण किया है। आइए इनसे बात करते हैं। जी सरपंच जी। श्रीमान पत्रकार महोदय, मैं नीलम चौधरी नव निर्वाचित सरपंच ग्राम पंचायत मैनपुरा तहसील कुकरवाटी जिला झुंझुनू राज्य से हूँ। आज दिनांक 14/10/2020 को सभी नव निर्वाचित पंच एवं उप सरपंच सरोज देवी सहित ग्राम विकास अधिकारी श्रीमान सुरेंद्र सिंह की मौजूदगी में कार्यभार ग्रहण किया है। मैं शपथ पूर्वक घोषणा करती हूँ कि सरपंच पद की गरिमा को ध्यान में रखते हुए बिना किसी भेदभाव के ग्राम पंचायत के समस्त कार्यों का निर्वहन करूंगी। सरपंच महोदय को सारज सौंपा है, इनका क्या कहना है? मैं सुरेंद्र सिंह ग्राम विकास अधिकारी मैनपुरा ने आज सरपंच श्रीमती नीलम जी चौधरी को कार्य ग्रहण करवाया है और मैं इनसे आशा करता हूँ कि पंचायत में तालमेल से ये काम करेंगे और अच्छा काम। सरपंच ग्राम पंचायत मैनपुरा में सरपंच महोदय का ग्राम पंचायत में सभी कार्यों में पूर्ण सहयोग करूंगी। ग्राम पंचायत में सर्वगणित विकास में मेरी पूर्ण समावनी रहेगी। धन्यवाद।